नाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, जी मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ हमारे मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ भिलाई से रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम, सत श्री अकाल। जनक सिंह जी सतनाम। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, परिचय भी देंगे अपना। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। डॉक्टर आर एस सोनवानी साहब रायपुर राजनांदगांव से जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि ज्योतिबा फुले साहब की हम लोग एपिसोड चला रहे हैं, आज उनकी 13वीं कड़ी है। और इस कड़ी में उनका जो विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय है हमारे बिल्कुल भारतीय समाज मैंने के उसी लिए पे पढ़ा और था ना, उसी सामाजिक डायरी व्यवस्था में। के लिए, यू नो कर दो बस, और इस पढ़ो सामाजिक पढ़ो। व्यवस्था में उन्होंने जो काम किया है, स्वर्ग और नरक, इस संदर्भ में आज हमारे मेहमानों से हम विस्तार से बात करेंगे 40 मिनट अपने नोट फेसबुक लाइव भाई साहब मानवता चैनल पे। तो करना, आज की इस परिचर्चा पर नोट करना। हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर प्रथम वक्तव्य के रूप में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ रेखा कौशिक जी को। स्वर्ग नरक के संदर्भ में 18वीं सदी में संघर्ष करने वाले ज्योतिबा फुले साहब की ये महत्वपूर्ण विषय पर आज की चर्चा है, तो इस विषय पर हम आज फोकस करते हुए चर्चा करेंगे। सतनाम रेखा जी। जी सतनाम, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नमस्कार साथियों, वाय सात मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन नमस्कार। और जैसा कि आज ज्योतिराव फुले की अमृतवाणी में से 13वीं कड़ी है, स्वर्ग नरक के बारे में उन्होंने कहा है, तो वो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ज्योतिराव फुले जी ने कहा था कि न स्वर्ग जैसी कोई जगह है और न ही कहीं पर कोई नरक है। आज तक कोई भी मनुष्य स्वर्ग को देखकर वापस नहीं लौटा है और न ही नरक को देखकर। स्वर्ग और नरक की कल्पना करना पूरी कल्पना की बात नहीं। स्वर्ग के नाम से जो लालच दिया जाता है और लोगों को नरक के नाम से डराया भी जाता है, लेकिन आज तक कोई लोगों का वही मानना है, आज भी लोग वही मानते हैं कि पुण्यवान लोगों को सुख मिलता है और पाप करने वाले अधर्मियों को अनेक तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तो उस समय लोगों को समझाने का कोई उचित विकल्प नहीं था जिससे लोग उचित अनुचित को समझ सके। तो उस समय समझाने के लिए स्वर्ग और नरक का नाम दिया गया था। अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा और दान धर्म दया का कार्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा कहा जाता था। और नहीं तो गलत कार्य करने पर आपको नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। वैसे प्राय कहना चाहिए कि सभी धर्मों में, ग्रंथों में स्वर्ग और नरक का कहीं उल्लेख मिलता है। तो अनेक संत जो महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह नहीं है, जो भी है सब यही है। और प्रत्येक मनुष्य को उसके जो कर्म है उन्हीं के अनुसार उनको फल मिलता है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो संतों ने जैसे कहा है, संतवाणी है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से पाए। सिंपल सी बात, यदि हमारे कर्म गलत है और हम अच्छे फल की कामना करेंगे तो यह तो संभव ही नहीं है। जैसे कांटे वाले जो वृक्ष लगाने से हमें मीठे फल कभी नहीं मिल सकते। ज्योतिराव फुले जी ने सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तक लिखा, जिसमें सत्य को अवगत उन्होंने कराया। लोगों को धर्म के खूंटे में बांधने के लिए स्वर्ग और नरक का डर दिखाया गया। आज किसी भी धर्म में देखो तो भय के नाम से लोग धार्मिक बने हुए हैं। इसको नहीं तो नहीं मानेंगे तो श्राप दे देगा, अनर्थ होगा या दोजख में जाना पड़ेगा, इत्यादि बातें सुनने को मिलती है। इसी तरह की बातें सभी धार्मिक ग्रंथों में प्राय मिलता है। ये सभी बातें मानव के सुधार के लिए बोला गया, बोला और लिखा गया था उस समय। तो प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म को अच्छा रखे, नेक कार्य करे, भलाई का कार्य करे और लोगों की मदद करे।
किसी भी मनुष्य की वजह से किसी भी मनुष्य को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए या उसकी वजह से कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का मूल उद्देश्य यही था। पर इसके विपरीत लोग स्वर्ग और नरक की कल्पना करने लग गए और मृत्यु के पश्चात ऊपर में स्वर्ग नरक मिलेगा यह वहम पालने लग गए लोग। तो फूले जी का मानना था कि उनका ये मानना था कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग धर्म को स्वीकार करना चाहिए। जैसे महिला के पति के धर्म से अलग धर्म उनको महिलाओं स्वीकारना चाहिए। अर्थात एक ही परिवार के लोग विभिन्न धर्म के अनुयायी होते हुए भी एक दूसरे से द्वेष किए बिना समझदारी पूर्वक और आनंद पूर्वक रहना चाहिए, जिससे मन में बंधुत्व की भावना पैदा होगी और विश्व बंधुत्व की भावना पैदा होगी तो विश्व के सभी मानवों की दुश्मनी अपने आप समाप्त हो जाएगी। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आधार पर विश्व में सुख का निर्माण होगा, ऐसा उनका मानना था। और व्यवहार से सभी को सुख मिलेगा, किसी पर अन्याय नहीं होगा और सभी को न्याय मिलेगा। इस तरह का ज्योतिराव फूले का विचार था। कितना उत्तम विचार था उनका। और सामाजिक न्याय का विचार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय जैसे तत्वों पर ही आधारित होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उनका यह विचार मानवतावादी था। संपूर्ण मानव को वो एक समझते थे। फूले जी विश्वास था फूले जी को कि विश्व की जो रचयिता है, जिसको हम ईश्वर अल्लाह भगवान कहते हैं, तो उन्होंने सभी इंसान को अर्थात स्त्री पुरुष को अधिकार के उपयोग के लिए स्वतंत्र और सक्षम बनाया है। यह अर्थात स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। ईश्वर ने सभी स्त्री पुरुषों को मानवाधिकारों के संरक्षण का दायित्व दिया है, ताकि वे किसी भी अन्य व्यक्ति का दमन शोषण ना करें। सृष्टिकर्ता ने सभी स्त्री पुरुषों को धार्मिक, राजनीतिक स्वतंत्रता दी है। इसलिए किसी को भी अन्य व्यक्तियों की धार्मिक आस्थाओं और राजनीतिक विचारों को जो है हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जैसा कि उस समय बहुत अधिक होता था। तो उन्होंने इसी संदर्भ में बातें कही है। और उनका विचार ये भी था कि मनुष्य सभी मनुष्य को अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा व्यक्त विचार अथवा मत को किसी अन्य व्यक्ति के लिए अहित नहीं होना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन उससे किसी अन्य व्यक्ति का उससे अहित नहीं होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सभी के लिए समान न्याय और अधिकार के वे ज्योतिराव फूले जी पक्षधर थे। किसी के साथ अन्याय अत्याचार को वो देखकर सहन भी नहीं कर पाते थे और सभी मनुष्य को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, ऐसा उनका मानना था। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा तो एक मानव दूसरे मानव के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब मन की उपज है। मन से ही आता है कि ये अगला छोटा है या अगला बड़ा है। इस टाइप का जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो विषमता पैदा होती है, समाज में भेदभाव पैदा होती है, तो इसी के बारे में उन्होंने कहा। और ईश्वर ने किसी को श्रेष्ठ और किसी को कनिष्ठ भी नहीं बनाया है। ईश्वर ने सभी मनुष्य को पवित्र बनाया है। जैसे कि सभी धर्म में बच्चे जन्म लेते हैं, तो कितने पाक, साफ, पवित्र बच्चे जन्म लेके आता है, और यहाँ आने के बाद उसको जाति धर्म में बांध दिया जाता है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि सभी की बुद्धि समान नहीं होती, यह सत्य है। फिर भी ऊंचे वर्ण अथवा जाति के सभी लोग बुद्धिमान और कनिष्ठ वर्ण अथवा जाति के सभी लोग मंद बुद्धि कभी नहीं होते। फुले जी ने यहाँ स्पष्ट किया कि बुद्धिमत्ता की विषमता विषमता व्यक्ति से है, जातिगत बिल्कुल नहीं। अतः वर्ग और जाति के आधार पर कुछ लोगों को बुद्धिमान तथा कुछ लोगों को मंद बुद्धि मानना गलत है। इसलिए उस आधार पर भेदभाव करना वास्तविकता के विरुद्ध है। फूले जी यह भी मानते थे कि मानव जन्म से ही स्वतंत्र है। तो
संसार में कोई भी मानव दूसरे मानव का गुलाम नहीं रह सकता। मानव को गुलाम बनाने की जो पद्धति है वो अमानवीय है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय से वस्तुओं का उपभोग करने का अधिकार है। अतः कुछ लोगों को गुलाम बनाना मानव की स्वतंत्रता के भी विरुद्ध है। मनुष्य को गुलाम बनाने वाली जो व्यवस्था होगी वह सभी मानवों की स्वतंत्रता विरोधी है। चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, और यह चाहे स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर धार्मिक गुलामी उस समय जो चरम पर था। तो फुले जी ने नारी स्वतंत्रता का विचार भी प्रमुखता से उठाया और उनका मानना था कि वह भी मानव है। स्त्री जाति को भी उन्होंने कहा कि वह भी मानव है और उनका भी न्यायिक अधिकार है। उन्होंने नारी को भी मनुष्य कहकर संबोधित किया। नारियों को शिक्षित भी किए और नारी शिक्षित होगी तो मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ेगी और स्वर्ग नरक का भय से वे मुक्त होंगी। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आर आई सुमरानी साहब हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात विस्तार से रखेंगे। सुमरानी साहब अपनी आवाज़ की म्यूट करें। डॉक्टर साहब मोबाइल से अपनी आवाज़ को बंद खोलें। डॉक्टर साहब आवाज़ हाँ जी 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 हाँ, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे प्रायोजक है, उन्हें और संचालन करने वाले कुर्रे साहब है, उन्हें आज के आयोजन में उपस्थित सभी श्रोताओं और दर्शकों का मेरा सादर अभिवादन। सबको जय सतनाम। आज का जो विषय है स्वर्ग नरक की, ये विषय पर महात्मा ज्योति फुले जी का जो विचार है या उनका जो कार्य है इस पर ऊनी है। मेरे मन में आज ही एक बात आई, तो नई बात यह है कि क्या स्वर्ग नरक की बात केवल मनुष्यों के लिए है कि देवी देवताओं के लिए भी है? क्या मनुष्य ही पाप और पुण्य करते हैं? यह जो लांछना है क्या देवी देवताओं पर नहीं लगता? और मैं जहां तक समझता हूं कि जो मनुष्य पाप और पुण्य की बात जीवन में करता है, कर लेता है, वो तो देवी देवताओं के भी किए हैं। तो क्या पाप पुण्य का प्रतिफल देवी देवताओं को नहीं मिलता? एक छोटा सा दृष्टांत के रूप में यहाँ पर रखना चाहूंगा। 10 अवतार लिए निरंजन, ऐसा कहा गया है। हिंदू दर्शन में विष्णु जी को 10 अवतार लिया गया है, बताया गया है। 10 अवतार, इसमें वराह अवतार भी है, कच्छप अवतार भी है, इस तरह से उनके 10 अवतार है। क्या विष्णु जी भारतीय समाज में, जो अछूत समाज जिसको माना गया, समझा गया, बनाया गया, जिसको अपृश्य जाति या पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या विष्णु जी इन अछूतों के घर, उनके अछूत को दूर करने के लिए क्या उत्पन्न हुए, पैदा हुए, अछूत परिवार में पैदा हुए? और जब नहीं हुए पैदा, तो क्या विष्णु जी पाप नहीं किया है? तो किस वजह से हम विष्णु जी को देवता या ईश्वर या पूजनी के रूप में मानते? एक बात, यदि इतने बड़े 10 अवतार लिए, 10 अवतार में वो किसी अछूत के घर, उनके अछूत को दूर करने के लिए, उनके जो अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, उनको पवित्र को उन्हें पवित्र करने के लिए इस भारतीय समाज में किसी भी परिवार में जन्म नहीं ले सका, उनके अछूत के कलंक को धो नहीं सका, उनको पवित्र नहीं कर सका, तो ऐसे जो देवी देवता या जिसको भगवान के रूप में मानते हैं,
तो क्या उन पर पाप नहीं लगता? क्या ये प्रश्न जो है आज मेरे ही मन में आया और पहले तो नहीं आया। इसी तरह यदि हम विष्णु जी की ही अब बात आगे कुछ करें, तो जब हम सरस्वती और लक्ष्मी जी की उनकी बात करें, तो हमेशा वो तो लक्ष्मी जी के साथ रहे, सरस्वती जी से तो हमेशा दूर रहे। तो क्या उन्होंने इसके संदर्भ में उन्होंने क्या भेदभाव या पक्षपात नहीं किया क्या? मेरे कहने का आशय क्या है कि ये जो पाप पुण्य की बात है केवल मनुष्यों के लिए ही लागू होता है क्या? ईश्वरों और देवी देवताओं के रूप में जो नाम जिसका नाम जाना गया है जाने जाते हैं उस पर नहीं लगता क्या? यहाँ पर जो हिंदू दर्शन के अनुसार जो यमराज जिसको धर्मराज कहते हैं, क्या धर्मराज के पास इस तरह के जो देवी देवता है वो कार्य करने वाले हैं उनके लिए स्वर्ग और नरक की उनके लिए व्यवस्था नहीं की है क्या? मेरे कहने का मतलब यह है, मैं फूले जी के ही मैं विचारों पे आके रुकता हूँ, ठहरता हूँ या कहता हूँ, फूले जी ने स्वर्ग नरक की जो बात हिंदू धर्म शास्त्रों ने या धर्माचार्यों ने पुरोहितों ने जो काम किया है कल्पना की है यह कल्पना की है यह कल्पना कल्पोल कल्पित है। समाज में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, खास करके जो है वो भय या भय का वातावरण भय में ही डालने के लिए और अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत में जो हम पाप पुण्य और स्वर्ग की बात करते हैं वो तो मनुष्य जो है स्वयं ही इस संसार में, पहली बात तो ये है जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, सृष्टि जब सुनसान था तो मनुष्य को उत्पन्न किया, एक बड़े ही अच्छे विचार से उत्पन्न किया कि संसार में मनुष्य रहे, अपना बढ़े, संसार के सृष्टि की चीजों का संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए, ऐसा ईश्वर ने सोचकर मनुष्य पैदा किया। लेकिन पैदा होने के पश्चात समाज के कतिपय वर्ग, समाज के कुछ वर्ग ऐसे जो है वो ताकतवर होते गए, वो ताकतवर अपने आप नहीं हुए, दूसरे का शोषण करके, दूसरे को गुलाम बनाकर, दूसरे के अधिकार को छीनकर, दूसरे के स्वतंत्रता को छीनकर, दूसरे के और अन्य सुख सुविधाओं को छीनकर वो इतना ताकतवर हो गए, इतना ताकतवर हो गए कि समाज में एक असंतुलन व्याप्त हो गया, समाज में एक प्रकार के ऊंचा नीचा की बात स्थापित हो गई, खाई स्थापित हो गई। और जो धर्म शास्त्र के रचयिताओं ने ऐसा धर्म शास्त्र रचा, ऐसा स्वर्ग नरक की रहस्यवाद को खड़ा किया, ऐसा पाप पुण्य का उन्होंने संदेश उपदेश युग का जो है प्रचार प्रसार किया, तो मनुष्यों के मन में ऐसा भय उत्पन्न हो गया, ऐसा जो डर उत्पन्न हो गया कि जो लोग उनकी जो मानसिकता विवेकशीलता इतना संकुचित, इतना जो है संकुचित हो गया कि लोग जो है वो हर बात के लिए हर काम के लिए डरते थे कि कहीं हमसे अनर्थ ना हो जाए, कहीं हमसे कोई बात का उल्लंघन ना हो जाए, कोई व्यवस्था का उल्लंघन ना हो जाए, ऐसा करके हर बात के लिए डरते थे। इस तरह से उनका जो है विवेक है वो शून्य होता गया, बुद्धि जो है संकीर्ण होता गया, और ऐसा जो है एक समाज में, भारतीय समाज में एक वर्ग होता गया हुआ जो है बहुत ही ताकतवर सुविधा संपन्न होता गया, और एक वर्ग ऐसा हुआ जो है साधन विहीन विपन्न होता गया और सारे दुख दर्द पीड़ा का सहने वाला हो गया। एक उदाहरण बताऊंगा, पुरे साहब ज्ञानेंद्र पांडे और शाहिद आबिन ये किताब है जिसका नाम है निम्नवर्गी प्रसंग। इस निम्नवर्गी प्रसंग में उन्होंने हवाला दिया है कि यदि हम उच्च वर्णीय लोगों को भी यदि बचाना है, वो पाप किया है उसके पाप को धोना है, उसके कलंक को धोना है, उसको बचाना है, तो
निम्न वर्गीय लोग ही उनको बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ उनसे बुलवाया जाता है। कहने का मेरा आशा यह है कि यदि निम्न वर्गीय समाज के लोग यदि अपराध नहीं किया है, यदि कोई गलत काम नहीं किया है, यदि उच्च वर्णीय लोग यदि गलत काम किया है, अपराध किया है, पाप किया है, तो उनके पाप को भी धोने के लिए, उनके अपराध को भी, अपराध से भी छुटकारा दिलाने के लिए वो लोग निम्न वर्गीय लोगों से जो है दबाव डालकर या उनको भय दिखाकर झूठ बोलकर बचाने के लिए उसको बाध्य करते हैं। ऐसा उन्होंने निम्न वर्गीय प्रसंग में ज्ञानेन्द्र पांडे और शाहिद आबिद ने भी किया है। तो कहने का मतलब है उनके सुख सुविधा के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके अमन चैन की जिंदगी के लिए निम्न वर्गीय समाज भी क्या है, अपने आप के जीवन को जो है अपने जीवन को मतलब अपने जीवन का परवाह न करते हुए, चिंता न करते हुए, उनके हित के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके जो है तरक्की उन्नति के लिए जो है वो झूठ बोलकर बचाते हैं, और इस तरह की बातें जो है आज समाज में होता है और होता आया है। यहाँ पर ज्योति जी के ये है विचार के अनुसार ये है, उन्होंने हालांकि तत्कालीन समय में या आज के समय में ज्योति महात्मा ज्योति फुले जी ईश्वर नहीं है, लेकिन उनके कार्य, उनके कर्म, उनके विचार, उनके जो आचरण और व्यवहार है वो ईश्वर के तुल्य है। लोग बाग तत्कालीन समय में और आज के समय भी उनको एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं या ईश्वर के तुल्य मानते हैं, हालांकि ईश्वर नहीं है। कोई भी जो हम संत महात्मा या बड़े लोग जो है अपने आप को ईश्वर नहीं मानते, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, जो संत महात्मा कहलाए हैं, इन्हीं अच्छे कार्यों के कारण, इन्हीं मानवीय कार्यों के कारण, इन्हीं एक बेहतरीन कार्यों, आदर्श कार्यों के कारण ही तो संत महात्मा या महापुरुष कहलाए हैं। फुले जी ने जो स्त्रियों के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में या शोषित समाज के संबंध में उनके अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए, उनके बराबरी का दर्जा के लिए जो नेक काम किए हैं, उसी नेक काम के लिए थे। आज वह विश्व वंदनीय बन गया है, विश्व पूजनीय बन गया है, विश्व के लोग उनको अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं। ये सब, ये जो स्वर्ग नरक की बात है, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। मनुष्य इस संसार में स्वयं अपना आकलन कर लेता है कि मेरा कर्म कैसा है, मेरा कर्म अच्छा है, मेरा कर्म जो है ईमानदारी पर टिका हुआ है, सच्चाई पर टिका हुआ है, तो मेरा कर्म अच्छा है। और निश्चित रूप से यदि अपना आकलन कर लेता है कि मेरा कर्म बुरा है, पापमय है, अधर्ममय है, तो इसका आकलन, इसका मूल्यांकन मनुष्य कर लेता है, और ये सोच लेता है कि जो भी मैं कर्म किया हूँ, चाहे अच्छा कर्म किया हूँ, बुरा कर्म किया हूँ, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, ये स्वतः जो है मान लेता है। यहाँ पर कि मनुष्य को थोड़ी भी याद रहता है, स्मरण रहता है कि मरने के बाद मैंने क्या कर्म किया हूँ, पृथ्वी में मैं क्या पाप किया हूँ, क्या पुण्य, उनको कोई स्मरण नहीं रहता ना। और नए बच्चे पैदा होता है, उनको स्मरण नहीं रहता कि मैं पहले क्या था, मैं पशु था कि मनुष्य था, कि मैंने क्या अच्छा काम किया क्या नहीं किया, इसका उसका ज्ञान नहीं रहता है। यही तो जो है ये प्रकृति का एक अलौकिक रहस्य है कि सत मृत्यु सत्य है, तो क्या है अपने पूर्व कार्यों और कर्मों का याद न आना, स्मरण न आना, यही जो रहस्य है। मनुष्य स्वयं जानता है कि मेरे मरने के बाद पृथ्वी में जो बात हुई है, जो घटनाएं घटी है, मुझे याद नहीं रहेगा। ये कौन होता है, यमराज, जो है मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला। जब धर्मराज, इसी को यमराज को धर्मराज कहते हैं, जब धर्मराज है तो सारे मनुष्यों को, सारे देवी देवताओं को यमराज धर्मराज का ही पूजा उपासना भक्ति भजन करना चाहिए।
और तमाम प्रकार के 36 कोटि देवी देवताओं को उपासना करनी चाहिए। जब वो यमराज है, धर्मराज है और जीवन और मृत्यु उनके हाथ में है, तो उन्हीं की पूजा उपासना करना चाहिए। ये 36 कोटि देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि सबसे बड़े तो वही है। तो इसलिए ये मेरा जो है व्यक्तिगत विचार है। रहा सवाल जी कि ब्राह्मणों ने, खास करके उच्च वर्गीय लोगों ने अपनी प्रभुता, अपना वर्चस्व, अपना जो है समाज में अपना महत्व स्थापित करने के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मों, कर्मकांडों को जगह देकर विभिन्न प्रकार के पाखंडवाद को स्थापित करके विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी या शंका डालने वाली बात को स्थापित करके पुण्य और पाप और पुण्य को स्थापित किया, और इसी पाप या पुण्य को स्थापित करके स्वर्ग और नरक की बात को स्थापित किया। और स्वर्ग नरक ये खुद ही महसूस करे, जुल्मी तो यही है, ज्यादा जुल्म तो यही लोग करते हैं, ज्यादा अपराध तो यही लोग करते हैं, ज्यादा तांडव तो यही लोग मचाते हैं, ज्यादा पाखंडवाद और कर्मकांड तो यही लोग करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने तरक्की की उन्नति के लिए जो है निचले तबके के लोगों को, निचले तबके के जनता को वो सताते हैं, परेशान करते हैं। क्या नहीं किए हैं, पूरे हिंदू समाज का देख लीजिए, पूरे भारत का इतिहास जान लीजिए, ये लोग क्या क्या नहीं किए, अत्याचार क्या क्या जुल्म मैंने किए हैं। ये क्या यमराज के पास ये रिकॉर्ड है क्या कि ये दलित है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, ये शोषित है, पीड़ित है, इसका रिकॉर्ड है क्या? क्या इन पंडितों या उच्च वर्णी लोगों के कथनानुसार क्या है वहां पर जो है लेखा जोखा रखते हैं, तो ये उसमें लिखा हुआ है क्या? उनके पास रहता है क्या हिसाब कि ये जो शूद्र है वो पाप किया है, ये शूद्र जो है पुण्य किया है, उसके पास रहता है क्या हिसाब? ये सब जो है भारतीय समाज के व्यवस्थाकारों ने, उच्च वर्णी समाज के उच्च या सर्वोपरि स्थान पर अपने आप को स्थापित करने वाले लोगों ने इस रहस्यवाद को लोगों के मन में भ्रम डालकर, भ्रम जाल फैलाकर उन्होंने इस पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की बात को स्थापित किए हैं, ताकि ये लोग डरते रहे, ये लोग जो है अपने अधिकार के लिए डरते रहे, कोई कदम न उठाए उठाए आगे बढ़ाए, आवाज न उठाए, ताकि जो है हम ये मूक रहे, ये कोई किसी भी प्रकार के अपने अधिकार और सत्य के लिए, अपने सुख और सुविधा के लिए जो है प्रयत्न ना कर सके या मेहनत ना कर सके, ये पंगु बना रहे, इस तरह की जो है और हमारा शोषण करते रहे, हमारा हम शोषण करते रहे। ये बताइए, क्या उच्च वर्णीय लोगों का सेवा करना ही धर्म है? क्या पुण्य है? क्या ये पाप नहीं है? वो लोग नहीं समझते कि हम निचले तबके लोगों से अपनी सेवा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, चतुर्थ वर्ण हमारी सेवा करेंगे, ये बात को उन्होंने स्थापित करके ये नहीं समझ रहे कि हम इन लोगों से हम पाप कर रहे हैं, ये लोग सेवा करके पुण्य कर रहे हैं। है, इतने में भी वो लोग संतुष्ट नहीं हुए कि हमारी ये लोग पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेवा करेंगे। क्या ये लोग शूद्रों से या निम्न वर्गीय समाज के लोगों से ये लोग क्या है पाप करवा रहे हैं कि सेवा पुण्य करवा रहे हैं? इसका उनको भनक नहीं है, इसकी जानकारी सब जानकारी है, लेकिन सवाल ये है कि भय भय में जो लोग जो है धर्म का भय दिखा दिए। जी तुरवानी साहब, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। बहरहाल वो जब तक हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे तब मैं रेखा जी से कुछ आग्रह करता हूँ, दोबारा इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। हमारे कुछ साथी और भी आने वाले थे लेकिन नहीं जुड़ पाए। जी मैं तुरवानी साहब अपनी बात पूरी कर रहे हैं। जी, वो फोन आ गया था सर किसी दूसरे का, जी इसलिए तो मेरे कहने का मतलब इसी भय और भ्रांति को समाप्त करने के लिए महात्मा ज्योतिपुर जी ने कार्य किया, और लोगों के मन में जो भय और भ्रांति थी, जो शंका था, जो पित भ्रम जाल में उलझे हुए थे, उसको समाप्त करके उन्होंने एक नई दिशा दिया समाज को, लोगों को नई दिशा दी।
वो दिशा जो है वो आगे चलकर यही उनके जो दिशा है, उनके संदेश और उपदेश है, जो उनके कार्य है, जो उनका कार्य, जो पवित्र कार्य है, वही आगे चलकर भारतीय संविधान में सम्मानजनक स्थान पाया और संविधान में स्थान पाकर आज भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए एक जीवन का आधार बना, जीवन का आधार बना, उनका उनको अधिकार मिला, हर प्रकार के अधिकार मिला। ऐसी बात नहीं है कि कोई अधिकार नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूं भारत का संविधान हमारे लिए लाइफ लाइन है, भारत का संविधान हमारे लिए लाइफ लाइन है, हमारे इस लाइफ लाइन को मिटने नहीं देना चाहिए। यदि लाइफ लाइन समाप्त हो गई, टूट गई, कट गई, तो भारत के इंसान का, इस देश के जी इंसान का और विश्व के लोकतंत्र का जो जो जीवन का प्रकाश है, वो प्रकाश जो है वो अंधकार में बदल जाएगा, और बदल जाने के पश्चात जो है वही पुरातन अवस्था में, वही पुरातन व्यवस्था में और अवस्था में फिर पीछे की ओर लौटो, ऐसा जो है दिन आ जाएगा, और वही दिन फिर देखने को मिलेगा जिस दिन को के वो समाप्त करने के लिए, जिस वातावरण को खत्म करने के लिए, जिस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे संत महात्माओं ने जो संघर्ष किया और संघर्ष करके आज भारत को आजाद किया। भारत को आजाद होने के बाद भारत का संविधान बना, भारत के संविधान बनने के बाद भारत में लोकतंत्र बहाल हुआ, और आज जो है आज भी उच्च वर्णीय लोगों को, निम्न वर्गीय लोगों को अधिकार और उनकी सुविधाएं, उनकी तरक्की उन्नति का व्यवस्था जो है पच नहीं पा रहा है, पच नहीं पा रहा है, और इसको पचाने के लिए जो है हमें भी अभी सशक्त होना पड़ेगा। हमें महात्मा ज्योति फुले से के कार्यों से प्रेरणा होकर एक सशक्त भारतीय नागरिक बनना पड़ेगा और अपने अधिकारों को संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनवानी साहब, आपने काफी विस्तार से आज के इस विषय पर अपनी बात रखी है। हमारे साथ बने रहे, मैं चाहूंगा रेखा कौशिक जी से दोबारा इस विषय पर अपनी बात रखें। हमारे पास में अभी हम 9:13 में हैं और हमारे पास और समय है, तो मैं दोबारा आप लोगों से बारी बारी से फिर से इस विषय पर बात रखने के लिए आग्रह करता हूँ। रेखा जी फिर से अपनी बात रखेंगे। जी, ज्योतिराव फूले जी ने, जैसा कि उसको महात्मा कहा गया है और जैसे कि अभी भगवान कहें तो कोई कम नहीं है, अभी सोनानी भाई साहब जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। वो समाज सुधारक तो थे ही, लेकिन भगवान तुल्य थे पूरे SC ST OBC के लिए। ओबीसी होते हुए वो SC के लिए काम किए, ST के लिए काम किए, मतलब उन्होंने कभी जाति पाति में भेदभाव नहीं माना। उन्होंने दो ही जाति बताया, एक स्त्री और एक पुरुष, और इसी के धर्म के आधार पर ही सबसे ज्यादा मानसिक गुलामी बना के रखे थे। स्वर्ग नरक का भय दिखाना, पूजा पाठ आडंबर कराना, तो इसमें समाज के लोगों का पैसा समय सब बर्बाद होता था और डर डर के जीते थे, अभाव के जीवन जीते थे। उनको अधिकार भी नहीं था, जैसे कि उनसे सेवा भाव से काम कराना, सेवक समझते थे उनसे सेवा कराना, और उसके बदले में उसको उचित दाम भी नहीं दिया जाता था। रोटी दे दिए, खाने की जो सामग्री दे दिए तो बहुत है, उसमें भी पेट नहीं भरता था। तो इस तरह से मानसिक गुलामी में जकड़े हुए थे लोग, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा को हथियार बनाया, क्योंकि उनको लगा कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आगे तरक्की नहीं कर पाएगा और मानसिक गुलामी में जकड़े रहेंगे। तो पुरुषों के साथ साथ उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किए, लड़कियों को 9 लड़कियों से शुरू किए शिक्षित करना, और बाद में लगातार उन्होंने स्कूल खोला और स्त्रियों को शिक्षा दिलाया उन्होंने, और वो सारे राइट्स और अधिकार समझने लगे। और यही आगे चलकर ज्योतिबा जो फूले ने जो मुहिम चलाया था उसको आगे अंबेडकर साहब ने आगे लेकर आया, और जब संविधान निर्माण हुआ
उसमें जो बहुत सारे जो कथन है उसको उसमें शामिल किए। इसी तरह से बाबा गुरु घासीदास जी का जब मुहिम चला सतनाम, उसका अमृत वाणी अमृत संदेश है, तो उसमें से बहुत सारे जो वाणी है वाक्य है वो भी संविधान में अंकित है, उनमें लिया गया है उसमें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी जो संत महापुरुष है, जैसे रविदास जी कह लीजिए, कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी और गुरु घासीदास जी, ज्योतिबा फुले जी, ये जो संत महात्मा है, इन्होंने छोटे तबके के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत प्रयास किए, बहुत जगाने का कार्य किए, लेकिन नतीजा जैसा अभी देखने को जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। अधिकार हमको तो मिल गया है, पढ़ लिख भी लिए हैं, नौकरी पेशा भी है, अच्छे अच्छे उच्च पदों पर आसीन भी है, महिलाएं भी अभी बहुत तरक्की कर रही हैं, प्राय प्राय हर एक दो घर के बाद में जो महिलाएं हैं वर्किंग वुमेन हैं अभी भी। लेकिन जहां तक मैं देखती हूँ, मुझे जो समझ में बात आती है, चाहे वो किसी धर्म की बात हो, मैं किसी एक धर्म को पर्टिकुलर नहीं कहना चाहूंगी, तो यही देखने आता है कि जो मानसिक गुलामी है धार्मिक अनुष्ठान के मामले में, वो सारी के सारे महिलाओं के कंधों पे टिका हुआ। जितने भी व्रत उपवास पूजा, चाहे पति के लिए रखना हो उपवास, कोई भगवान देवी या देवता के ऊपर, या पति के लिए बच्चों के लिए किसी के ऊपर, जैसे लंबी उम्र होगी उनकी, सुहाग भी होगा, बहुत सारी ऐसे जो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें महिलाओं के लिए ज्यादा है कि ये ऐसे श्रृंगार करना चाहिए तो इसका ये पहचान है, ये श्रृंगार नहीं करना तो वो पहचान नहीं है। मतलब आज भी महिलाओं को बांध के रखा गया, उसको स्वतंत्रता मिला है ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता तो मिला लेकिन जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला, मानसिक गुलामी उसमें जकड़ के रख दिए। जितना भी पढ़ी लिखी रहेंगी कुछ भी रहेंगी, लेकिन हमारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको ये करना चाहिए, तो ये खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन असली भगवान तो वो है जिसको, जैसे कोई गरीब है उसको रोटी की जरूरत है, हम उसको दो रोटी खिला दें तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और वही स्वर्ग, जैसा हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो हमारे साथ भी कई गुना लौट के वापस आता है। तो ये बात को समझना चाहिए, मंदिर में अधिक चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो भगवान खुश होगा, या फिर ये कह लीजिए कि 1 किलो या 1 तोला सोना चढ़ा रहे हैं तो भगवान खुश होगा, ऐसा नहीं है। जो जरूरतमंद है उसकी सेवा कीजिए, जहाँ कपड़े की कमी है, अनाथ बच्चे हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है, 2 जोड़ी आप अपना एक्स्ट्रा कपड़ा दे देंगे तो उसका भला हो जाएगा, फटे पुराने पहने हैं तो कम से कम उसके लिए वो नया हो जाएगा। उसी प्रकार धन का कुछ हिस्सा हम दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं, या कहीं अनाथालय में दे रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे का कुछ दिन का खाना चल जाएगा, तो इस तरह से सेवा करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि भगवान को कभी भी किसी पैसे की जरूरत नहीं, वो तो हमको देते हैं, लेकिन हमको धर्म के माध्यम से ये सिखाया जाता है कि हमको भगवान को देना चाहिए, और भगवान को देने के चलते जितने भी छोटे तबके बड़े तबके कोई भी हो, चाहे कितने पढ़े लिखे हो, वो सब जाके भगवान को दान देते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, तो भगवान तो खुद देने वाला है, भगवान हमारा शरीर बना के भेजा है हमको कि जन्म दे के भेजा है, भगवान ने ही दिया है जन्म माता पिता के द्वारा, तो उनको देने की जरूरत हमको नहीं होना चाहिए। जो जीवित है, जिसके पास नहीं है, कमी है, उसको देना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि अभी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति हर एक मंदिर में अभी मिलेगा, सभी धर्मों में प्राय प्राय ऐसा होता है, कुछ धर्म में कुछ ज्यादा है लेकिन कुछ धर्म में कम है, तो है तो सही लेकिन मान्यता तो वही है। घुमा फिरा के जो धार्मिक गुलामी है वो सभी धर्मों में सेम टू सेम है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल महिलाओं का, जो इसके लिए मैं और एक चीज बल देकर कहना चाहूंगी कि महिलाएं जितना भी शिक्षित हो तो रही हैं, लेकिन जिन्होंने, जिस महापुरुषों ने जो काम किया है उसको हम भूल जाते हैं, जैसा अंबेडकर जी, उन्होंने कितने राइट्स हमको दिए हुए हैं लेकिन एक दिन उसको ढंग से हम याद नहीं करते। जब भगवान को दिन रात जप सकते हैं तो उनके कम से कम बताए हुए मार्ग पे तो चल सकते हैं, लेकिन उसको नहीं मान के हम अंधविश्वास में कहना चाहिए कि फंसे हुए हैं।
तो ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज और कहना चाहती थी, दिमाग सुतर के मेरा थोड़ा इतना कहकर माड़ी पिरा हूँ। यस जी बहुत शुक्रिया रेखा जी। मैं आज की इस परिचर्चा पर फिर से डॉक्टर साहब को आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात रखें, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सोनवानी साहब, रेखा जी ने भी काफी विस्तार से बातें कही है, मैं उनको कोट करते हुए उनके कुछ सवाल भी होंगे उस पर भी अपनी जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर सोनवानी साहब, अपनी मोबाइल से आवाज को म्यूट करें सर। हाँ जी, आज के समय में शिक्षा के प्रचार से प्रसार से थोड़ा सा अपने जीने का जो साधन है उन सब चीज में बदलाव आया है, जागृति आई है, चेतना आई है, लोग बाग सोचने समझने के लायक हुए हैं, दलित समाज के लोग भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस देवी देवता भगवान के नाम से आपको कोई फायदा नहीं होता तो उसकी पूजा अर्चना भक्ति भजन करना छोड़ो ना, मंदिर जाना बंद करो, तीर्थ यात्रा करना बंद करो। यदि मान लो जाए आपके आस्था है, उसी सिर्फ को मानो आस्था, चाहे आप गुरु घासीदास पर आस्था रखते हो, चाहे किसी भी पर कोई संत महात्मा पर आस्था रखते हो, उसी के ही उपासना करिए, भक्ति भजन करिए। क्यों जाते हो मंदिर, क्यों जाते हो धर तीर्थ यात्रा, क्यों उपवास रहते हो बेवजह? अभी तो आप उस जमाने से तो हम निकल चुके हैं, आज के जमाने में जब हैं तो इन सब चीजों को छोड़िए। व्रत रखना व्यर्थ, व्रत रखना व्यर्थ, मंदिर जाना, तीर्थ जाना, पूजा पाठ करना, उपवास रहना और नवरात्र रहना और गणेश चतुर्थी मनाना, तमाम प्रकार के ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन के लिए कोई फायदा लाभ नहीं पहुंचा सकते, तो उनसे अपने जीवन से बिल्कुल किनारे कर दीजिए। आप मनुष्य असमान होता मैं मानता हूं, लेकिन किसी एक एक में आस्था रखते हुए आप अपने जी आस्था को रखिए, आस्था को व्यक्त कीजिए, धार्मिक जीवन को व्यक्त कीजिए, लेकिन जिसे कोई फायदा नहीं है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, वहां आने जाने, वहां खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी में से यदि खर्च से बचता है तो गरीबों का मदद कीजिए, स्कूली बच्चों को जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास पुस्तक कापी नहीं है, उनको पढ़ने के लिए मदद कीजिए, ये पुण्य का काम होगा। और ऊपर में जो है स्वर्ग मिले या मत पाए, लेकिन पुण्य का काम होगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। ऊपर स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा इसको दरकिनार कर लीजिए, लेकिन आप गरीब बच्चों को आप कपड़े देते हैं, आप उनके लिए पुस्तक कापी की व्यवस्था करते हैं, तो ये पुण्य का काम है, तो उसका फल मिलना नहीं बात की बात। यदि किसी गरीब है, बीमार से पीड़ित है, परेशान है, उसके लिए दवाई के लिए या उसको हॉस्पिटल पहुंचाने लाने ले जाने के लिए, थोड़ा बहुत उसको कपड़ा दवाई के लिए हेल्प करने के लिए यदि आप मददगार बनते हैं, ये पुण्य है। और इसके बदले हमको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, इसको छोड़ दीजिए। स्वर्ग में भी यदि पहुंचोगे तो कुछ समय के पश्चात इस संसार में आओगे पैदा लेकर पूछे, नरक में भी रहोगे तो भी कुछ समय के पश्चात भले दुख भोग लगे तो भी क्या, कुछ समय के पश्चात इस संसार में पैदा हो गया। स्वर्ग में रहोगे तो भी, नरक में रहोगे तो भी, वहां से छुटकारा पाके, वहां से मुक्ति पाके इसी संसार में भी पैदा होके आओगे। आप भला काम कीजिए, धर्म का काम कीजिए, पुण्य का काम कीजिए, मानव मनुष्य के कल्याण के काम कीजिए, जनहित का काम कीजिए, और वह पुण्य के रेखा में जाएगा कि पाप के रेखा में जाएगा इसकी चिंता छोड़िए। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम भला काम कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं,
हम मानव धर्म के अनुरूप चलकर हम अपना फर्ज निभा रहे, न ही सोच के तो कम से कम काम करिए। सब मनुष्य का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, सार्थक और सफल हो जाएगा। हमें पाप पुण्य के चक्कर में, स्वर्ग नरक के चक्कर में, इस भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का समय तीसरे नवजागरण का समय है। तीसरे नवजागरण का समय, एक नवजागरण अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था, दूसरा नवजागरण शुरू हुआ था जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ, तो आज तीसरे नवजागरण का समय चालू हो गया है। आज तीसरे नवजागरण की क्या खासियत है? इस तीसरे नवजागरण की खासियत यह है, भारत का संविधान बचाओ, भारत का लोकतंत्र बचाओ, दलितों का अधिकार बचाओ, दलितों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाओ, दलितों की जो है रक्षा करो, इस देश की मूल निवासियों की रक्षा करो। ये तीसरे नवजागरण का अहम प्रश्न है, अहम उद्देश्य है, अहम लक्ष्य है। इस तीसरे नवजागरण की दुनिया में, तीसरी 21वीं सदी की दुनिया में आप जो है नेक काम कीजिए, भला काम कीजिए, चाहे फुले जी को याद करके करिए, चाहे घासीदास बाबा को याद करके करिए, चाहे हमारे गुरु नानक साहेब जी को याद करके करिए, चाहे रैदास जी को याद करके कहिए करिए, चाहे कबीर जी को याद करके करिए, लेकिन आप नेक और भला काम करने से पीछे मत हटिए, अपना हाथ को मत रोकिए। फल क्या होगा इसका, वो सब जो है आपके कर्मों के साथ जुड़ा रहता है। आपके फल जी को चाहने वाला खत्म करने वाला कोई नहीं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनवानी साहब, आपने काफी विस्तार से आज के इस विषय पर एक डॉक्टर होने के नाते काफी चीरफाड़ कर दी है। मुझे लगता है जनता के लिए, जनार्दन के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा आपकी ये परिचर्चा। मैं रेखा जी से रहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार दें, संदर्भ में, सारांश में, और उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी जी नाम ज्योतिबा फुले के जो कार्य है देखने को मिलता है, उससे ये लगता है कि उन्होंने मानवता धर्म को सर्वोपरि माना, और जब तक रहे मानव की सेवा किए। और प्राय सभी संत महापुरुष है, उन्होंने भी यही कहा कि पाखंडवाद, आडंबर, झूठ, फरेब, इनसे दूर रहो और अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, भलाई के कार्य करो, जिससे लोगों को फायदा हो, किसी की अहित ना हो, किसी का दिल ना दुखे और सबको समान अधिकार मिले। क्योंकि समानता से जीने का अधिकार सभी को है। एक कहना चाहिए कि जैसे कि कोई जानवर है या पशु पक्षी है, तो उनको भी दाना पानी का हक उतना ही है जितना कि सभी वर्णों को है। जैसे कोई अपर कास्ट हो गया तो उनको ज्यादा अधिकार है, या लोअर कास्ट है उनको कम अधिकार है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब ने बाद में ही कहा, लेकिन उससे पहले ज्योतिबा राव फुले जी ने कहा कि समानता का अधिकार सबको मिले, यहाँ तक महिलाओं के ऊपर जो है उन्होंने यही बात कही। हेलो, जी, सभी महापुरुष और संतों का यही मानना था कि सबको समानता का अधिकार मिले, सम्मान मिले, और जो वैमनस्यता है, जो लोगों में ऊंच नीच का, भेदभाव का, स्वर्ग नरक का डर है, वो समाप्त हो और सारी विषमताएं समाप्त, और सभी एक समान रूप से, जैसे कि बच्चे जन्म लेते हैं तो सभी घर में बच्चे पैदा होते हैं, किसी घर में जाति पैदा नहीं होती, है ना। तो वही महापुरुष से थे ज्योतिबा फुले जी, वो भी चाहते थे कि सभी घर में जैसे पवित्र बच्चा पैदा हो, तो हम उसी तरह समाज में पवित्र रहे, पवित्रता बरकरार रहे। किसी को छोटा समझ के उसका अपमान करना, और कोई बड़ा है तो अगले को अपमानित करना, ऐसा ना। और जहां तक स्वर्ग नरक वाली जो आज का जो कार्यक्रम है, उसमें मुख्य ये कहना चाहूंगी कि स्वर्ग नरक कहीं भी नहीं है, वाकई किसी ने नहीं देखा है। जब आने का जो समय नहीं होता, जब हम जन्म लेते हैं तो उसका भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह जब इंसान की मृत्यु होती है
तो उस टाइम भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। तो हम शुभ मुहूर्त अपने मन की लालसा या अंधविश्वास में करते हैं कि इस दिन घर बनाना उचित रहेगा, इस दिन शादी करना उचित रहेगा, जबकि मृत्यु आती है तो एकदम अचानक से चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म जाति के हो। और जन्म होता है तो कोई भी समय रात के 2 बजे आ जाएंगे, जन्म लेके 12 बजे कभी भी माँ के गर्भ से निकल आते हैं। तो कहना ये चाहूंगी कि न तो स्वर्ग कहीं है और न तो नरक जैसी कोई चीज है, जो भी यही है, हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमको यहीं पर ही मिलेगा और इसी जन्म में भुगत के हमको ऊपर जाना पड़ेगा। और रही बात जी आत्मा, वो तो एक आत्मा है, जीवात्मा है, जिस सबके शरीर में एक ही जीवात्मा है और सभी एक समान, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज नहीं है। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। जी आप दोनों मेहमानों को आज की परिचर्चा में शामिल होने के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रेखा जी का, रेखा कौशिक जी का, डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का। विस्तार से बातें हो चुकी है, अगली 14वीं कड़ी में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे संत महापुरुषों की विचारों को अपने चैनल में ला करके लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए एक बीड़ा उठाया है। तो उनका भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले एक ऐसे महान शख्सियत थे भारत की भूमि पर, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था की सड़ी गली व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या यातनाएं नहीं सही और शिक्षा का द्वार उन्होंने खोला। तो ऐसे महान पुरुषों को हम वाय सम्मानता चिल्ली की ओर से नमन भी करते हैं और उनकी इस विचारों को हमने 24-25 कड़ी में बांटा है और इस कड़ी को विस्तार से हम बात रखने के लिए सभी अतिथियों को, बुद्धिजीवी साथियों को आमंत्रित भी करते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग विषय पर अपनी भागीदारी निभाने के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं और आज की इस परिचर्चा पर हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम, जोहार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।